गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही उसकी पढ़ी थी हम लोगों ने। यहाँ हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इन एक्चुअल दैट व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। हम लोग बोलते क्या हैं इसमें, दैट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ द फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेज। यहाँ पर कंडीशन आपके पास आ गई, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेज ऑफ अ लाइट। मतलब लाइट हमारे पास कहाँ से आनी चाहिए, फ्रॉम द कोहरेंट सोर्सेज। जब उनके बीच में सुपरपोजिशन होगा तब हमारे पास क्या होगी, दैट देर इज अ इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। सो ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज ऑन द स्क्रीन। जहाँ पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेंगी तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पर हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनेंगी दैट पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इस केस में हमारे पास एनर्जी क्या हो गई, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई। मीन्स जो हमारे पास एक हिस्से की एनर्जी है वो कहाँ पर दे दी गई, दूसरे हिस्से में दे दी गई। जहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है वहाँ की एनर्जी किस में दे दी गई, ब्राइट हिस्से को दे दी गई। तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है ये इंटरफेरेंस का, दैट वाज डेमोंस्ट्रेटेड बाई यंग्स। सो ये एक्सपेरिमेंट है आपके पास, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वॉज डेमोंस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली बाई यंग। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, एस इज अ नैरो स्लिट, इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स स्लिट, विच इज इल्यूमिनेटेड बाई अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये मैंने एक स्लिट ले ली जिसका साइज हमारे पास बहुत ही छोटा सा है, यहाँ तक हम लोगों ने लिया है। ये यहाँ पर बहुत ही नैरो स्लिट हमारे पास आ गई। सो इट इज़ नोन एज अ सोर्स स्लिट, इट इज इल्यूमिनेटेड बाई अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ए एंड बी, ये एक ए और ये कौन सी बी, दीज आर द टू फाइन स्लिट्स। ये दो आपके पास क्या आ गई, फाइन स्लिट्स आ गई। दीज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, स्मॉल डी हम लोगों ने मानी हुई है, ठीक है। तो ये स्लिट ए और स्लिट बी, दीज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स एस। यहाँ से ये स्लिट और ये स्लिट दोनों क्या हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं आपके पास, ठीक है। सो एज द वेव्स फ्रॉम दिस, दैट इज़ अ सोर्स, ये सोर्स से जो वेव्स हैं दीज रीचेस एट द सेम टाइम एट ए एंड बी। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम ए एंड बी रीचिंग एट पॉइंट ए एंड बी, दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड द फेज डिफरेंस दैट इज सेम एट पॉइंट ए एंड बी। सो इट मीन्स दैट द फेज बिटवीन द वेव्स एट ए एंड बी दैट इज अ कॉन्स्टेंट, देयर फॉर दीज टू सोर्सेज दीज विल एक्ट एज अ कोहरेंट सोर्सेज ऑफ अ लाइट। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज अ कोहरेंट सोर्सेज ऑफ अ लाइट, क्योंकि ये एक वेव फ्रंट आपके पास बनेगा, एक वेव फ्रंट के ऊपर ये दोनों पॉइंट आएंगे। तो इसका मतलब ये कैसे बन जाएंगे आपके पास, दीज आर द कोहरेंट सोर्सेज ऑफ अ लाइट बिकॉज दीज हैव अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, और यू कैन से दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो वेन एवर द लाइट वेव्स फ्रॉम दीज सोर्सेज दैट सुपरइम्पोज, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न दैट इज ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन। अब हमने करना क्या है, मान लो हमारे पास यहाँ से एस से जो है ये वेव चली, मान लो हमारे पास, क्योंकि हमने बात की थी लाइट दैट इज विच वन, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। हम लोग मान करके चलेंगे कि आपके पास भाई जो डार्क लाइन है, हम लोग यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है ड्रॉ करेंगे, जो डार्क लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द क्रेस्ट, ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास, और जो डॉटेड लाइन है आपके पास वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रफ को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हमारे पास ये इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप लोग कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, आगे चल करके हम लोगों ने इसके लिए का फार्मूला करना है थोड़ा सा अलग तरीके से। ये इसको यहीं तक बेटा, आगे नहीं बढ़ाना है आप लोगों ने इसको, ये ऐसे ही यहाँ तक आ गया, और एक अब आप लोग क्या कर दो, एक डॉटेड में ले लो यहाँ से, इस तरीके से ये हमारे पास आ गया इस तरीके से, ये और ये भी आपके पास इस तरीके से।
ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से ए और बी से आप लोगों ने क्या करोगे, पहले आप लोग 1 सेंटीमीटर कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन करोगे, यहाँ से स्केल के ऊपर क्या कर लो आप लोग 1 सेंटीमीटर इसको ओपन करोगे। अब गैप आप लोगों ने बराबर रखना है, 1 सेंटीमीटर आप लोगों ने ओपन कर लिया, पॉइंट ए के ऊपर रखा, ये लाइन को मान कर चलना आप लोगों ने पॉइंट। पहले क्या करो आप लोग एक डार्क आर्क लगा दोगे यहाँ पर, ए के ऊपर भी क्या कर दिया आप लोगों ने, ये डार्क आर्क लगा दी, और बी के ऊपर भी क्या कर दिया आप लोगों ने, ये जो बी था आपके पास इसके ऊपर भी क्या कर दिया आप लोगों ने डार्क ये आर्क लगा दिया आप लोगों ने इस तरीके से ऐसे। अब क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर ओपन किया था, अब इसी को क्या कर लोगे आप लोग 1 सेंटीमीटर और जोड़ दोगे तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ से ए को सेंटर मानो, यहाँ से आप लोग अब डॉटेड डॉटेड में आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर इस तरीके से ये आर्क लगानी है आप लोगों ने यहाँ तक, ये यह आगे डॉटेड आपके पास दिस वन, और ऐसे ही कहाँ से बी से आप लोग क्या करोगे ये डॉटेड लगाओगे आप लोग ऐसे इस तरीके से। अब क्या करोगे आप लोग, क्या करो 3 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लो, ए के ऊपर रख दिया हम लोगों ने, इस साइड को भले ही कम रखना आप लोग, अब आप लोगों ने क्या कर दिया डार्क लगा दी, इनको इस साइड कट होने देना आप लोग, जिस साइड को कट हो रही है डार्क लगा दी, और ऐसे ही कहाँ से बी के ऊपर रख दिया और इसको क्या कर दिया कट लगा दिया हम लोगों ने इस तरीके से। ऐसे ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे अब 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन डॉटेड एंड डार्क लगाते जाएंगे। सो इन दिस वे ये 5 सेंटीमीटर तक मैंने लगा ली, डॉटेड डार्क और डॉटेड एंड डार्क। अब ध्यान दें, जहाँ पर आपके पास ये डॉटेड डॉटेड मिल रही हैं इसका मतलब दिस इज ट्रफ ऑन द ट्रफ, डार्क डार्क मिल रही हैं मतलब क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, डॉटेड डॉटेड ट्रफ ऑन ट्रफ, डार्क डार्क आप लोगों के पास क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ठीक है। एक ये मिल गई, यहाँ पर भी आपके पास ये मिल रही हैं, ये है और ये है आपके पास, ठीक है। ऐसे ही इस साइड को देखें तो ये और ये आप इनको लगा दिए मैंने डॉट्स, इट मीन्स यहाँ पर क्या है क्रेस्ट फॉल ऑन द क्रेस्ट और ट्रफ फॉल ऑन द ट्रफ, इट मीन्स दैट द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड हेंस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राइट फ्रिंजेस। और जहाँ पर आपके पास डॉटेड और डार्क में रही इट मीन्स क्रस्ट दैट फॉल ऑन द ट्रफ, तो उन पॉइंट्स को लगाएंगे हम लोग क्रॉस। ये लगा दिया हम लोगों ने, ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया। स्क्रीन को मैं नज़दीक ही रख रहा हूँ यहाँ पर, ज़्यादा दूर लेकर के नहीं जा रहा हूँ, ये स्क्रीन मैंने यहाँ पर रख दी, क्योंकि ज़्यादा दूर लेकर के जाऊँगा फ्रिंजी जो है ज़्यादा दूर बनेंगी हमारे पास, तो ये मैंने रख दी यहाँ पर स्क्रीन। दिस इज़ अ डिस्टेंस डी। अब क्या करेंगे इनको मिला देंगे यहाँ से, ये जो फ्रिंज है आपके पास ये बनेंगी बिल्कुल सेंटर में, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा, दिस वन यहाँ पर जो लाइट आएगी वो बनेगी कौन सी सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास ये फ्रिंज बन गई कौन सी ब्राइट फ्रिंज,
दिस फ्रिंज फॉर्मड इज ब्राइट फ्रिंज। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रफ और क्रेस्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं, तो कौन सी फ्रिंज बन रही है? डार्क फ्रिंज। डार्क दिस वन, यहां पर फिर से कौन सी बन गई आपके पास? ब्राइट फ्रिंज। इन तीनों को मिलाते हुए यहां पर आपके पास जो फ्रिंज बन गई वो ब्राइट। ऐसे ही नीचे वाली साइड को, इस साइड को, दिस इज डार्क फ्रिंज एंड दिस वन फ्रिंज इज ब्राइट फ्रिंज। सो दिस इज ब्राइट, डार्क, ब्राइट, दिस इज डार्क, दिस इज ब्राइट। सो द पैटर्न ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस दैट इज फॉर्मड ऑन द स्क्रीन, सो दिस इज नोन एज अ इंटरफेरेंस पैटर्न। ये एक्चुअल में जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली इसको बनाया है, ये तो दूर दूर है, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हुए बनती है। मतलब यहाँ पर आपके पास ब्राइट है, इसके साथ ही कौन सी बन जाएगी? डार्क, फिर ब्राइट बनेंगी, फिर डार्क बनेंगी, इस तरीके से हमारे पास ऑब्टेंड हो जाता है, ठीक है। सो द पॉइंट एट विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, दैट पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड द पॉइंट एट विच द इंटेंसिटी इज मिनिमम, दैट पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस होल थ्योरी दैट इज रिटन हियर, ये सारी सारी थ्योरी जो है आपके पास यहीं पर लिखी हुई है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। और ये जो फ्रिंजेस है आप लोगों के पास, इन्हीं को बोला जाता है हम लोगों, दीज आर नोन एज अ, दीज बैंड्स आर कॉल्ड एज अ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, दैट इज अ बैंड्स ऑफ अ डार्क एंड अ ब्राइट फ्रिंजेस, दैट इज नोन एज अ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ओके। इसको आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी करना है, बस जो समझाया मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज अ कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोगों ने कि इसमें होता क्या है। एक्चुअल में ये सोर्स लिट आती है जिसको इलिमिनेट किया है हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है। ये दो स्लिट्स आपके पास आ गई, ए एंड बी, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस सोर्स लिट, एस से इक्वी डिस्टेंट के ऊपर है हमारे पास, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी के बराबर है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू स्मॉल डी, और स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी फ्रॉम द प्लेन ऑफ दीज टू स्लिट्स, ठीक है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बात करते हैं हम लोग कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो आपके पास डेरिवेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप लोगों ने करना है। पीछे जो हम लोगों ने बात की थी एडिशन ऑफ कोहरेंट एंड इनकोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, उसमें जो डेरिवेशन की थी मैंने मना किया था कि वो डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ आप लोगों ने कोहरेंट और इनकोहरेंट सोर्सेज क्या होते हैं उसको ध्यान में रखना है, लेकिन ये डेरिवेशन आप लोगों ने जरूर करनी है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास, लेट द वेव्स फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बी रिप्रेजेंटेड एज, पहली हम लोगों ने मान ली y1 वन दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी मान ली हम लोगों ने y2 टू दैट इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, एंड ए एंड बी दीज आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स, हम लोगों ने अलग अलग एम्पलीट्यूड मान लिया दोनों वेव्स का, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटेंसिटी निकाले, पहली वेव की निकाले इंटेंसिटी, देन इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो आई वन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वेयर, सो आई वन दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, एंड आई टू दैट इज इक्वल टू के बी स्क्वेयर के बराबर आ गया। वेन दीज टू वेव सुपर इम्पोज अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड,
जब जैसे ही दोनों वेव्स क्या होंगी, सुप्रीम पोज होंगी, तो एक नई वेव बनेंगी, तो सुप्रीम पोजिशन का फार्मूला लगा देंगे, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, दोनों को जोड़ दें। सो वाई इज इक्वल टू वाई वन किसके बराबर है, ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई टू दैट इज अ बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी किसके बराबर आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर। तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी ले लिया मैंने कॉमन, साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को मैंने, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस फाई पहले लिख लिया, साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब इसमें से ए साइन ओमेगा टी हमारे पास कॉमन आ रहा है, ए साइन ओमेगा टी दोनों में है, तो कॉमन ले लिया मैंने, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो साइन ओमेगा टी बाहर आ गया, इनसाइड यहाँ पर बच गया ए और यहाँ पर बच गया प्लस बी कॉस फाई, प्लस यहाँ से आपके पास कॉस ओमेगा टी इंटू बी साइन फाई। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कर देंगे, इसका सोल्यूशन निकालना है तो हम लोगों को कुछ सब्सटीट्यूशन मान कर चलना पड़ेगा। पुट, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को, पुट ए प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। जहाँ पर आप लोगों को ये लग रहा है कि भाई कॉस फाई है, तो क्या रखना है आप लोगों ने, कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस फाई दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी साइन फाई दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको रख दिया किसके बराबर, आर साइन थीटा के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फाइव, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसको किसके बराबर रख दिया, r cos थीटा, प्लस cos ओमेगा टी, इसको किसके बराबर रख दिया, r sin थीटा। r इज कॉमन, सो y इज इक्वल टू r इंटू साइन ओमेगा टी cos ऑफ थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा। फिर से फार्मूला बन गया साइन a cos b प्लस cos a साइन b के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस b। सो y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर से क्या बन गया आपके पास, हार्मोनिक वेव विद एम्पलीट्यूड आर, जिसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। दिस इज द रिजल्टेंट वेव विच इज ऑब्टेंड आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स, इट मीन्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस आर। तो आर कहाँ से निकलेगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग सिक्स एंड सेवन, इन दोनों को क्या कर दो, स्क्वेयर कर दो और एड कर दो। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने इसको स्क्वेयर किया तो पहले आ गया आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस ऑफ फाई का स्क्वेयर प्लस बी साइन फाई का स्क्वेयर। आर स्क्वेयर यहाँ से कॉमन है, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लगा दिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस टू ए बी कॉस ऑफ फाइव प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे तो बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव आपके पास आ गया। कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन के बराबर, तो ये बच गया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस इसको मैंने पहले लिख लिया बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव प्लस टू ए बी कॉस ऑफ फाइव। अब आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ से बी स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो इन साइड बच गया कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव प्लस टू ए बी कॉस ऑफ फाइव। सो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू पूरे की किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू वन प्लस टू ए बी कॉस ऑफ फाइव। सो आर की वैल्यू आ गई आपके पास क्या आ जाएगी, दैट स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ फाइव। लेट इट इक्वेशन नंबर नाइन। अब इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, सो आई दैट इज इक्वल टू के आर स्क्वेयर, आई इज इक्वल टू के आर का स्क्वेयर करेंगे, इसका स्क्वेयर करेंगे तो किसके बराबर आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ फाइव। स्क्वेयर रूट हट गया हमारे पास जैसे स्क्वेयर किया, तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर प्लस टू के ए बी कॉस ऑफ फाइव। अब के ए स्क्वेयर किसके बराबर था, आई वन के बराबर हमारे पास, ये यहाँ से देखें आई वन के बराबर, के बी स्क्वेयर आई टू के बराबर। अगर ए की वैल्यू रखें हम लोग यहाँ से, तो ए की वैल्यू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई अपॉन के, तो ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आई वन अपॉन के अंडर द रूट। तो ये ए की वैल्यू आ गई आपके पास आई वन अपॉन के अंडर द रूट, और बी की वैल्यू आ गई आई टू अपॉन के अंडर द रूट। अब यहाँ से अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के बराबर हो जाएगा, तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस ऑफ फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो टर्म आपके पास आ गई, ये टर्म, दिस टर्म इज नोन एज अ इंटरफियरेंस टर्म। ये सारे के सारे टर्म क्या आ गई, इंटरफियरेंस टर्म। क्योंकि ये टर्म ना होती हमारे पास तो सिंपली हमारे पास क्या था, आई इज इक्वल वाई वन प्लस आई टू, इट मीन्स दैट देर इज अ नो इंटरफियरेंस, क्योंकि सिंपल एडिशन हो गया इंटेंसिटीज का। जब तक ये टर्म है इट मीन्स दैट द इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स, मीन्स इट इज अ समवट डिफरेंट। सो देयर फॉर दिस टर्म इज नोन एज अ इंटरफियरेंस टर्म। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस आई शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब आई मैक्सिमम तब होगा जब कॉस ऑफ फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। जीरो नहीं करनी है हमने कभी भी, क्योंकि अगर कॉस फाई की वैल्यू जीरो कर दी तो ये टर्म हट गई, तो हमारे पास क्या हो गया, इंटरफियरेंस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या लेनी है, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है कॉस फाई की, प्लस वन। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कॉस की वैल्यू यहाँ पर आती है इस साइड को प्लस वन, इस साइड को आती है माइनस वन। यहाँ पर क्या आती है वैल्यू एंगल की, जीरो, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, और इस साइड को आती है पाई, थ्री पाई और फाइव पाई। तो प्लस वन कहाँ पर आएगा, फाइव, दैट इज इक्वल टू जीरो, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट फाइव दैट इज इक्वल टू टू एन पाई, मतलब टू एन पाई। या तो जीरो है इसकी वैल्यू, या क्या है, दैट इज अ टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, दैट इज अ इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर एन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। सो इट मीन्स दैट द इंटरफियरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज कंस्ट्रक्टिव व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज आइदर जीरो और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अगर मान लो आपके पास इफ डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट एनी पॉइंट पी, देन हम लोगों ने 11th क्लास में रिलेशन किया था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में, वो हम लोग आज यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फेज डिफरेंस, कितना निकाला है हम लोगों ने, टू एन पाई। तो यहाँ से टू पाई से टू पाई कैंसिल आउट, हमारे पास बच गया सिंपली एन लैम्डा। एन कहाँ कितना था आपके पास, जीरो से चला था, तो इसका मतलब आपके पास एन दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। इट मीन्स दैट द इंटरफियरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट इज अ कंस्ट्रक्टिव व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज आइदर जीरो, या तो क्या हो, जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। क्योंकि दोनों जो आपके पास कोहरेंट सोर्सेज से अगर आपके पास लाइट आ रही है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दोनों वेव्स की वेवलेंथ क्या है आपके पास, सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि दैट द इंटरफियरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट अ पॉइंट इज कंस्ट्रक्टिव एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज आइदर जीरो और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट दैट पॉइंट इज आइदर जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेव लेंथ। बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, आई शुड बी मिनिमम, ओ सॉरी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए इंटेंसिटी दैट शुड बी मिनिमम, इट मीन्स आई शुड बी मिनिमम। तो कॉस ऑफ आई क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम मतलब माइनस वन। तो माइनस वन यहाँ से देखें तो किस पे आता है आपके पास एंगल, ये पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, इसका मतलब फाइव दैट इज इक्वल टू पाई, थ्री पाई, फाइव पाई। तो इसको मैं लिख दूँ किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू टू एन माइनस वन इंटू पाई। एन यहाँ पर स्टार्ट होता है वन, टू, थ्री, वन रखूँगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, टू इंटू वन माइनस वन दैट इज अ वन पाई, टू रखेंगे तो फोर माइनस वन दैट इज अ थ्री पाई, ठीक है, सो ऑन। इट मीन्स दैट द इंटरफियरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज डिस्ट्रक्टिव एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज अ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब अगर मान लो डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, देन द पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, इस तरीके से लिखना है इसको। टू मैंने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा लैम्डा बाई टू, वेयर एन दैट स्टार्ट फ्रॉम वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। तो द इंटरफियरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज डेस्ट्रक्टिव व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ देयर वेवलेंथ, ऐसे बोलना है इसको, क्योंकि ये क्या हो गया, हाफ ऑफ देयर वेवलेंथ, ऐसे बोलना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, यही हमने लिखा है, सो द इंटरफियरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट अ पॉइंट इज डेस्ट्रक्टिव एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट दैट पॉइंट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ।
ध्यान रखना है इनको, ये दो कंडीशंस हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को आनी चाहिए और ये कंडीशंस निकालने भी आनी चाहिए आप लोगों को। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रटना है जो मर्जी करो आप लोग, समझना है इसको अच्छे तरीके से। और ये कंडीशंस मेनली आपके पास इन टर्म्स ऑफ द पाथ डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये कंडीशंस इनको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, कंसेप्ट में यूज़ करेंगे, तो ये कंडीशंस आप लोगों को आनी चाहिए। और ये फार्मूला दोनों आप लोगों को आने चाहिए, ये दोनों के दोनों फार्मूला, यू शुड नो अबाउट दीज फार्मूला। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आप किसकी, रिजल्ट्स की। ये रिजल्ट हैं जिनको हम लोग फार्मूला में यूज़ करेंगे और इनसे हम लोग न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, पहले सीखते हैं इनको। हमने निकाला यहाँ पर दैट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ द वेव विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द इंटरफेरेंस। तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी होल अंडर रूट, ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस ऑफ आई दैट इज इक्वल टू प्लस वन, तो देर फॉर आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम आ गया आपके पास, एम्पलीट्यूड दैट इज अ मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास कॉस फाई किसके बराबर आ गया, प्लस वन, तो आर मैक्सिमम किसके बराबर हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, और ये प्लस वन था तो इसके मतलब हमारे पास है प्लस टू ए बी ही रहा। तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये अंडर द रूट हो गया, इसका होल स्क्वेयर का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस बी, तो आर मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर। तो आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू के आर मैक्सिमम का स्क्वेयर, तो आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू के ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये आगे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कॉस ऑफ आई क्या होगा, माइनस वन, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, मिनिमम। अब कॉस मैक्सिमम कॉस फाई आपके पास आ गया माइनस वन, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का साइन, तो हमारे पास हो गया आर मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो किसके बराबर आ गया, ए माइनस बी के बराबर। सो आई मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम हुआ तो इंटेंसिटी भी क्या हुई, मिनिमम, दैट इज इक्वल टू के आर मिनिमम का स्क्वेयर, सो आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ध्यान में रखनी है, इंटरफेरेंस पैटर्न की जो रेशियो है इंटेंसिटीज की वो कैसे निकालनी है, भाई मैक्सिमम टू मिनिमम ही निकलेगी, तो मैक्सिमम क्या है, के इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर अपॉन के इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो के से के कैंसिल आउट हो गया, तो आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये फार्मूला याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है, अब ये है इंटरफियरेंस पैटर्न की इंटेंसिटी, जो इंटरफियरेंस पैटर्न के बाद आई हमारे पास। अगर मान लो हमारे पास द इंटेंसिटीज ऑफ इंटरफियरिंग वेव्स, जिन वेव्स में इंटरफियरेंस हो रहा है जो कोहरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, उनकी इंटेंसिटी तो क्या थी, आई वन दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर, आई टू दैट इज इक्वल टू के बी स्क्वेयर, तो इनकी रेशो की बात करें, द रेशो ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स, ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई इंटरफियरेंस पैटर्न की रेशो दी गई है या इंटरफियरिंग वेव्स की रेशो दी गई है, तो ये है इंटरफियरिंग वेव्स, तो आई वन अपॉन आई टू दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर अपॉन के बी स्क्वेयर, सो आई वन अपॉन आई टू दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, ये वो वेव्स हैं जो हमारे पास कोहरेंट सोर्सेज से आई, जिनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरफियरेंस हो रहा है, और ये हमारे पास कौन सी थी, जो इंटरफियरेंस होने के बाद में हमारे पास इंटेंसिटी आई उसकी रेशो है हमारे पास मैक्सिमा टू मिनिमा। ठीक है, अगर मान लो W1 एंड W2 बी द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स, जो हम लोगों ने A और B दो स्लिट मानी हुई थी, उनकी विड्थ हमारे पास आ गई W1 एंड W2, ये हमारे पास विड्थ आ गई। ठीक है, तो ये जो विड्थ है हमारे पास, ये क्या करती है, दैट W1 ओवर W2 दैट इज इक्वल टू I1 ओवर I2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, ये ऐसे आती है। अब अगर हम लोग मान के, ये फार्मूला भी ध्यान में रखना आप लोगों ने बिल्कुल, ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। अगर मान लो आपके पास व्हेन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स आर इक्वल, हमने तो अलग अलग माने थे, एक का ए मान लिया था, दूसरे का क्या मान लिया था, बी मान लिया। अगर मान लो दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हैं, बराबर हैं, इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब इंटेंसिटी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो आई वन इज इक्वल टू आई टू, मान लो ये आई नॉट के बराबर है, तो आर मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस ए के बराबर, क्योंकि बी दैट इज इक्वल टू ए के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू टू ए, तो आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, भाई
दैट इज आर स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, 2a का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 4ka स्क्वेयर। अब के ए स्क्वेयर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू आई वन के बराबर, आई वन किसके बराबर है आई नॉट के बराबर, तो इसका मतलब आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 4i नॉट। अब आई नॉट क्या है, एक वेव की थी इंटेंसिटी, इट मीन्स दैट इट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम, द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट इज अ 4 times द इंटेंसिटी ऑफ द सिंगल वेव, जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी दैट इज अ 4 times द इंटेंसिटी ऑफ द सिंगल वेव, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू, पहले एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, मिनिमम एम्पलीट्यूड आर मिनिमम दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए माइनस ए, क्योंकि बी दैट इज इक्वल टू ए के बराबर, दैट इज इक्वल टू 0। अब एम्पलीट्यूड अगर 0 हो गया तो इसका मतलब मिनिमम इंटेंसिटी भी क्या हो गई, 0 हो गई। इट मीन्स आपके पास जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी दैट विल बी प्योरली ब्राइट, एंड जो डार्क फ्रिंज बनेगी दैट विल बी प्योरली डार्क, सो देर इज अ गुड कंट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड अ डार्क फ्रिंजेस, दोनों के बीच में क्या होगा, मतलब अच्छे से दिख जाएंगी कि ये ब्राइट फ्रिंज है और ये कौन सी है, डार्क फ्रिंज है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट वन, यही केस लेकर के चलते हैं हम लोग, व्हेन ए इज इक्वल टू बी, मतलब एम्पलीट्यूड बराबर है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव करेंगे, इसको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने यूज करना है। व्हेन ए इज इक्वल टू बी तो आई वन दैट इज इक्वल टू आई टू दैट इज इक्वल टू आई नॉट, हमने फार्मूला निकाला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट इज आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस ऑफ फाई के बराबर। तो यहाँ से क्योंकि आई वन इज इक्वल टू आई टू दैट इज इक्वल टू आई नॉट, तो ये आई इज इक्वल टू आई नॉट आई टू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आई नॉट प्लस टू आई नॉट I नॉट अंडर द रूट कॉस ऑफ फाई, आई नॉट स्क्वेयर इसका अंडर रूट किसके बराबर, I नॉट के बराबर हो जाएगा, ये I नॉट प्लस I नॉट टू आई नॉट प्लस टू, ये भी किसके बराबर, I नॉट और ये कॉस ऑफ फाई। तो हमारे पास यहाँ से टू I नॉट कॉमन आ गया, तो I इज इक्वल टू I नॉट वन प्लस कॉस ऑफ फाई। अब इस फार्मूला को देखते हैं, हमें पता है दैट कॉस ऑफ टू ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस वन, सो टू कॉस स्क्वेयर ए दैट इज इक्वल टू, इस वन को मैं साइड ले जाऊँ तो मैं हमारे पास आ गया वन प्लस कॉस ऑफ टू ए, ठीक है। सो वन प्लस कॉस टू ए दैट इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वेयर ए के बराबर आ गया। अगर मैं इस एंगल को कर दूँ हाफ, मतलब ये जो हमारे पास एंगल है इसको क्या कर दिया मैंने, हाफ कर दिया, मतलब इसको कर दिया टू ए के बजाय क्या कर दिया, ए कर दिया, मतलब वन प्लस कॉस ए लिख दिया मैंने, इस साइड को टू ए था तो यहाँ पर आया ए, अगर मैंने इसको ए कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बाई टू आ जाएगा, तो वन प्लस कॉस ए दैट इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वेयर ए बाई टू, ठीक है। यहाँ डबल था तो यहाँ पर क्या हो गया था, हाफ हो गया था, तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास, ए आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दैट वन प्लस कॉस ऑफ फाइव दैट इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वेयर फाइव बाई टू के बराबर, ये सारा फैक्टर ये वाला किसके बराबर आ गया, टू कॉस स्क्वेयर फाइव बाई टू के बराबर। सो आई इज इक्वल टू टू आई नॉट और इस पूरे की वैल्यू आ गई टू कॉस स्क्वेयर फाइव बाई टू के बराबर, तो टू टू ज़ा फोर, तो हमारे पास क्या हो गया, आई इज इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वेयर फाइव बाई टू के बराबर। ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछता है, बस ये इस फार्मूले से हम लोगों ने क्या करनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, ये डायरेक्ट हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है, और इसमें हम लोग जब ये पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि दैट दिस पाथ डिफरेंस फाई दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर, ये ध्यान रखना है, ये निकालना पड़ेगा पहले हम लोगों को, फिर हम लोग ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग, ये साथ में आता है इंटरफियरेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कई बार बोला जाता है कि शो दैट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दैट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये इसको ओबे करता है। इंटेंसिटी एक्चुअल में हमारे पास है क्या, इंटेंसिटी दैट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी जो है यूनिट एरिया के थ्रू पास हो रही है पर यूनिट टाइम में, तो उसी की बात करते हैं, मीन्स इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी। तो इन इंटरफेरेंस पैटर्न आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर और आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न अगर एवरेज निकालें हम लोग तो क्या करेंगे, आई एवरेज दैट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई टू, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू रख दी के इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस के इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, आई मिनिमम की वैल्यू रख दी डिवाइडेड बाई टू, k
के मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी और डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कैंसिल आउट, ए स्क्वेयर टू ए स्क्वेयर हो जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टू बी स्क्वेयर हो जाएगा, तो टू ले लिया मैंने कॉमन डिवाइडेड बाई टू, और के का के टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया आई एवरेज दैट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स, जो वेव्स हमारे पास इंटरफियरिंग थी उनकी इंटेंसिटीज की बात करें तो आई वन दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर, आई टू दैट इज इक्वल टू के बी स्क्वेयर। अगर मैं इनको एज इट इज सम कर दूँ तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर, तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो अगर हम लोग फ्रॉम वन और टू से देखें तो दोनों के आगे बराबर आ गई, इट मीन्स दैट विच इज सेम एज द एवरेज इंटेंसिटी इन द इंटरफियरिंग पैटर्न, इट मीन्स सो द इन द इंटरफियरेंस पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हैंस एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, सिर्फ एनर्जी क्या हुई रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बट द टोटल इंटेंसिटी हैंस द एनर्जी दैट रिमेन्स सेम विच इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हैंस इंटरफियरेंस ऑफ लाइट दैट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतना बच्चा आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिवाइज करना है अच्छे से। ये डेरिवेशंस जो हैं और रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी को लाइटली ना लें आप लोग। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करनी है, इन रिजल्ट्स को बार बार लिखना है, और इस डेरिवेशंस को तो आप लोगों ने इस डेरिवेशन को बिल्कुल अच्छे से करना है आप लोगों ने। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करना है इसको, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड करेंगे न्यूमेरिकल्स, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग करेंगे वेव ऑप्टिक्स का। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।